हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो यहाँ पे हम अपने फोन पे है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे मोबाइल पे कोई भी OTP नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पे हम जब भी किसी ऐप पे अपने अकाउंट बनाते हैं या अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमारा OTP नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस प्रॉब्लम को आप सब कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान 2 से 3 तरीके मैं आपको बताऊँगा, इसलिए यहाँ पे आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन पे चले आना है। फ़ोन पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल मैसेज। टाइप करने के बाद आपको सिंपली इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे में आ जाएगा गूगल मैसेज। तो चलिए यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे अपडेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका गूगल मैसेज अपडेट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक करके अपने ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये तो हो गया पहला तरीका। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो चलिए इसे हम कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप्स का। तो चलिए यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने सारे ऐप्स यहाँ पे आ जाएंगे जिसमें से यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है मैसेज। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और यहाँ पे मैसेज को यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। मैसेज को ढूंढने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टोरेज यूज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लियर डाटा कर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद आपको इसे बैक करना है। देन यहाँ पे फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे SMS का परमिशन यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका परमिशन अलाउ नहीं किया हुआ है तो आपको सिंपली इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको इसे कट करना है और कट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने रिसेंट से इसे क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको अपने फ्लाइट मोड पे 2 से 3 बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली से हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे आपका OTP आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने मोबाइल के OTP प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।